तेरी नफरत वली, तेरी नफरत वली, तेरी नफरत वली, तू मोहब्बत न कर। ज़ेबू, आप? ज़ेबू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। बेटा जी। अबू, मैं जानता हूँ कि तुम शाहनवाज की कुछ बातों से हर्ट हुई हो। मेरी उससे तफसीली बात हुई है। मैं मानता हूँ कि कुछ गलतियाँ जो शाहनवाज की भी हैं, लेकिन कुछ पहलू ऐसे हैं जिससे हम भी लाइल्म हैं। मैं आपका मतलब नहीं समझी। शाहनवाज की पहली बीवी उज़्मा को मैंने कई बार आरिस के साथ देखा है। क्या? ये कैसे हो सकता है? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि आरिस का उस औरत के साथ भला क्या वास्ता हो सकता है। वो जरूर उसके साथ मिलकर कोई साजिश कर रहा है। आरिस ऐसा कैसे कर सकता है? अरे वो किसी हद तक भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है वो। जब मैंने उससे पूछा कि तुम इसे कैसे जानते, तो उसने कहा कि मैं तो हट कर दिल दादा हूँ, इस औरत का फैन हूँ। मैंने भी ये सोचा कि ठीक है, ऐसा हो सकता है। आरिस और उज़्मा उरूज, ये कैसे हो सकता है? और अब मुझे लगता है कि वो महज इत्तेफाक नहीं था। आरिस उज़्मा के साथ मिलकर साजिश कर रहा है। मुझे आरिस पर रत्ती बराबर भी भरोसा नहीं है, किसी सूरत में नहीं है। तो उज़्मा को सारी बातें आरिस बताता था? वो ही है घर का भेदी। तुम्हारी खाला को तो मैं कुछ नहीं कहूंगा ज़ेबू, लेकिन आरिस का इस घर में दाखिला बिल्कुल ममनू है। और करो, अकल से काम लो ज़ेबू। लेकिन आरिस को ये सब कुछ करके क्या हासिल होगा? किसी का घर बर्बाद करके किसी को कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों की फितरत होती है कि उन्हें दूसरों को बर्बाद करके खुशी हासिल होती है, और वो तुम्हारा घर बर्बाद करना चाहता है। और आरिस ही जो कुछ भी कर रहा है वो शाहनवाज से हसद में कर रहा है, और अपने घर की तो उसे परवाह ही नहीं है। उसकी अपनी बीवी तो घर छोड़कर चली गई, और वो उज़्मा के साथ मिलकर साजिशें कर रहा है। उज़्मा ने तुम्हें शाहनवाज से बदगुमान करने की कोशिश की है, और इस साजिश में आरिस भी उसका साथ दे रहा है। मैं मानता हूँ कि शाहनवाज की भी गलती है, लेकिन वो इतना बुरा आदमी नहीं जितना तुम उसे समझती हो। एक मौका दो शाहनवाज को, माफ कर दो उसे। मुझे आरिस से ये तवक्को नहीं थी, और मैं सोच रही थी कि शाहनवाज ये सब कुछ कैसे कर सकते हैं। किसी की बातों में आकर अपना घर बर्बाद ना करो ज़ेबू। घर बड़े मुश्किल से आबाद होते हैं, असल कसूरवार शाहनवाज नहीं है, आरिस की है। इसलिए शाहनवाज को एक मौका दो, उसे एक चांस। सोचो मेरी बात और करो।